स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा लेक्चर विद होमवर्क क्वेश्चंस। तो कल मैंने 7-8 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, तो वही हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 लाइज बिटवीन 1/(n+1) एंड 1/(n), देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। और उसने दे दिया कि n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा। अच्छा, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, पहले सबसे पहले एक थोड़ा सा बेसिक और देख लेते हैं लॉग का। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पहले ग्राफ टाइप की चीज, ठीक है, जिस क्या होता है कि जो हमारा लॉग है ना उसका ग्राफ देख लेते हैं हम, लॉग एक्स का। अभी थोड़ा सा हिंट काफी है, डिटेल में हम आगे चल के देखेंगे इसी चीज को, ग्राफ वगैरह को, कैलकुलस पार्ट में। अभी जितना जरूरत है उतना मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, जितना मैं इस चैप्टर के लिए। देखो, जो लॉग एक्स है ना उसका ग्राफ दो तरीके से होता है, एक तो होता है हमारा ये और एक और ग्राफ होता है हमारा ऐसे। दोनों में अंतर क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है ना कि जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, देखो उससे पहले जैसे मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर x पे x1 पे मेरा y क्या है, तो हम क्या करते हैं ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, इधर गया, दिस इज माय y1। मतलब x1 अगर मैंने डाला इधर तो मुझे y1 मिलेगा। जैसे मान लो मैंने 3 डाला तो मेरे को क्या मिलेगा, इसमें डालूंगा 3 तो ln log 3 मिलेगा, 4 डाला तो log 4 मिलेगा। तो दिख रहा है कि अगर मैं x को बढ़ा रहा हूँ, याद रखना ध्यान से देना, अगर x को मैं बढ़ा रहा हूँ मतलब मैं राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ तो y मेरा बढ़ रहा है। क्या बोल रहा हूँ, इफ x इंक्रीजेस देन y इंक्रीजेस, वो एरो का सिंबल मतलब इंक्रीजेस। अगर x बढ़ा रहा हूँ y बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है फंक्शन के टर्म्स में कि दिस इंप्लाइज log, जो मैंने लिखा log x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। हालांकि बिना इसके भी हो जाएगा बट फिर भी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इसे, ठीक है, क्या समझे हम। अगर x को बढ़ाया तो y बढ़ेगा मेरा, ये कब हो रहा है इसको लिख लो कंडीशन जो हमने नहीं लिखी अभी, व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1। बेस इधर क्या है, a, तो a इज ग्रेटर देन 1, दैट इज अगर बेस लॉग का 1 से बड़ा है तो मेरा लॉग क्या होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसको मेमोराइज कर लो, ठीक है, क्या बोला दोबारा एक बार और रिपीट करो एक दो बार कि अगर लॉग का बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ क्या होता है, इस टाइप का ग्राफ होता है। ये मैंने जो मार्क किया ये वाला कि x बढ़ाते हैं तो हमारा y बढ़ता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी का उल्टा इधर हो जाता है, ये भी log x का ही ग्राफ है, log x टू द बेस है, बट इधर जो हमारा बेस है ना दैट इज लेस देन 1। देखो नेगेटिव तो वैसे भी नहीं हो सकता बेस, वो तो मैंने बेसिक डेफिनेशन ऑफ log में बोला था कि log का बेस हमेशा 1 से बड़ा होना, सॉरी 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैंने दो कंडीशन ली, log का बेस ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। लेस देन 1 के साथ ऑफ कोर्स इट इज ग्रेटर देन 0, 0 से तो बड़ा अभी भी होगा ही, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे तुम देखोगे, जैसे मैंने माना ये 2 है मेरा, तो देख रहे हो कि 2 पे मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, ये वाली वैल्यू विच इज log 2। अगर मान लो मैंने x बढ़ाया इधर लेके गया 3 की तरफ, तो देख रहे हो मेरा y क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, y नीचे आ रहा है, जैसे ये क्या हो गया log 3। तो क्या हो रहा है मेरा x, क्या हो रहा है इधर देखो, इधर लिख लो if x increases, अगर x को बढ़ा रहा हूँ, x को बढ़ाना मतलब RHS की तरफ move करना, if x increases then क्या हो रहा है, y decreases, y decrease कर रहा है, therefore log x is decreasing function। मैंने जैसे कि बोला अभी तुम लोगों को, अभी इतने से हमारा काम चल जाएगा, हमें इससे ज्यादा जरूरत है नहीं, बाकी हम और भी डिटेल देखेंगे हमारा कैलकुलस में, दैट इज 12th टॉपिक, ठीक है। चलो तो याद क्या रखोगे, एक बार और रिकॉल कर, एक बार और रिवाइज करते हैं। अगर log का बेस 1 से बड़ा है तो log इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, अगर log x, log का बेस 1 से छोटा है तो log डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, x बढ़ाने पे y बढ़ेगा, और डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है, x बढ़ाऊंगा तो y घटेगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है बच्चों। चलो अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, मैं इसको रब कर रहा हूँ, तुम दोनों ग्राफ बनाओ, ठीक है ना। शायद विनोद सर भी तुम्हें बताएंगे log x के बारे में, या बताया भी होगा ग्राफ वगैरह, बट अगर नहीं बताया तो अभी सुन लो, ठीक है। ये तुम्हारा उसमें भी फिजिक्स में भी काम आएगा log x का ग्राफ, ठीक है। बट देखो जनरली जब आगे पढ़ोगे मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोगों को log x का ग्राफ ग्रेटर देन, बेस ग्रेटर देन 1 के लिए ही बनाना होगा। मैंने क्या बोला, इन मोस्ट ऑफ द केसेस तुम्हें यही वाला ग्राफ काम आएगा, दिस इज फॉर बेस ग्रेटर देन 1। अगर मैंने लिखा log
एक्स टू द बेस ए, तो इधर हमारा क्या है ए ग्रेटर देन वन, यही तुम्हें काम आएगा। वाला भी काम आ सकता है बट कम जगह यूज होगा, इंक्रीजिंग वाला यूज होगा। तो हम जनरली बोलेंगे log x is increasing function, but actually में क्या है वो base 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने केवल इतना बोला log x is increasing function, केवल इतना बोल दिया, base के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। log x is not increasing function, log x is increasing if base is greater than 1, क्लियर है। चलो तो अब हम इसका एनालिसिस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना, आई होप कुछ लोगों ने किया हो, बहुत अच्छी बात है। और नहीं आया किसी को तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, अभी हम सीखते हैं इसको। तो देखो इसको मैंने कैसे लिखा, देखना, बेस चेंजिंग थ्योरम से याद है कुछ, हमने ऐसे लिखा था लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू वन अपॉन लॉग बी टू द बेस ए। अगर मैं लॉग वाले पार्ट को डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो आर्ग्यूमेंट और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं, तो इसी चीज को मैं इधर लगा रहा हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन लॉग 10 टू द बेस 2, ठीक है। अब देखना ध्यान से चीज, अब मुझे पता है कि देखो ये log, अब 1 अपॉन के बारे में, अब मैं डिनोमिनेटर के बारे में डिस्कस कर रहा हूं एक मिनट के लिए, जस्ट आई एम फोकसिंग ऑन डिनोमिनेटर, log ऑफ 10 टू द बेस 2। अब देखो ये log है, देखो एक मिनट के लिए मान लिया इधर x है, तो बेस 2 से बड़ा है, तो ये क्या है मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है कब, अगर ये 10 की जगह मेरा x लिखा है, तो मैंने बोला log x टू द बेस 2 इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या बोला मैंने, अगर x बढ़ाऊंगा तो ये पूरा बढ़ेगा, पूरा log x का ग्राफ ऊपर जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा अब देखना ध्यान से, देखो अब जैसे अगर मैंने x की वैल्यू, अगर मैंने इधर देखो ध्यान से सुनना, x की वैल्यू अगर 4 रखी, If x is equal to 4, तो देखो मेरा ये क्या आ रहा है, log of 4 to the base 2, log of 4 to the base 2 which is 2, ठीक है। अब मैं x को बढ़ा रहा हूँ, मैं अब x को increase कर रहा हूँ, if x is equal to 8, तो log of 8 to the base 2, ये क्या हो जाएगा, log of 2 cube to the base 2, और ये 3 आगे आ जाएगा, तो this will be 3, और log 2 to the base 2 1 हो जाएगा। तो दिख रहा है तुम्हें, x को बढ़ा रहा हूँ मैं, x को 4 डाला तो मेरा 2 आया, फिर x को थोड़ा बढ़ाया तो मेरा log की वैल्यू बढ़ गई, 2 से 3 हो गई, क्लियर है। अच्छा अब मैं फर्दर बढ़ाता हूँ, अब देखना क्या लिख रहा हूँ, if x is equal to 16, अगर x की वैल्यू मैंने इसमें 16 डाली तो क्या आएगा, log of 16 to the base 2 which is log of 2 की पावर 4 with that 2 which is 4, क्लियर है। अब देखना ध्यान से, अब सुनना, मेन इंटरेस्टिंग स्टेप आया है, मैं x बढ़ाते जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इधर x बढ़ा रहा हूं, पहले 4 फिर 8 फिर 16, तो इधर मेरा इंटरमीडिएट कहीं तो आएगा x is equal to 10, जब मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा 4 8 16 तक, तो बीच में 10 आएगा। इसका मतलब इस 10 पे, x is equal to 10 पे जो मेरी y की वैल्यू आएगी, log x की वैल्यू आएगी, वो इन दोनों के बीच में आएगी, 3 पॉइंट समथिंग, देखना ध्यान से जो मैंने अभी स्टेप बोला, इसलिए मैंने पहले तो मैं बता दिया कि log x का बेस अगर बड़ा है 1 से, तो log x क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। फिर क्या किया हमने, फिर हमने क्या किया, अभी मैं इसके डिनोमिनेटर पे फोकस कर रहा हूँ, तो डिनोमिनेटर को मैंने देखा, डिनोमिनेटर इज log 10 टू द बेस 2, फिर मैंने देखा कि 10 से छोटा नंबर 8 है, उस पर तो log की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, फिर 10 से बड़ा 16 है, मैं 8 और 16 क्यों लिया, ये भी एक दिमाग में बात आना चाहिए कि 8 और 16 से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, बिकॉज 8 और 16 के अक्रॉस मुझे इसकी वैल्यू पता है परफेक्ट, 3 और परफेक्ट 4। अगर मुझे कोई बोले log 9 क्या होता है तो मुझे नहीं पता, तो फिर मुझे log टेबल की जरूरत पड़ेगी, बट log 8 को तो मैं प्रॉपर्टी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, दिस इज 8 को मैंने लिख दिया 2 क्यूब और फिर 3 आगे आ गया, तो log 2 टू द बेस 2 1 हो गया, 3 इंटू 1 इज 3। सिमिलरली हियर ऑल्सो 16 मैंने क्यों लिया, बिकॉज वी नो log 16 टू द बेस 2, हम प्रॉपर्टीज का यूज करके निकाल सकते हैं दिस इज 4, बट कोई मुझे बोले log 10 क्या होता है टू द बेस 2 वो नहीं पता, उसके लिए log टेबल की जरूरत पड़ेगी, बट मुझे log टेबल तो दी नहीं है अभी, हम देखेंगे log टेबल वगैरह क्या होती है आगे चल के, बट अभी के लिए जो x is equal to 10 है मुझे उस पर एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, तो मुझे निकालना है कि वो किस दो इंटीजर के बीच में होगी। तो मैंने कैसे निकाला कि log x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, x is equal to 8 पे वैल्यू 3 आ रहा है, x is equal to 16 पे वैल्यू 4 आ रहा है, 10 जो है मेरा 8 और 16 के बीच में, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो मिलेगी वैल्यू मुझे y की
वो 3 और 4 के बीच में होगी। क्या बोला मैंने, ये जो होगा दिस विल बी लेस देन 4, इधर लिख लो log, देखना ध्यान, और इसको नहीं समझ में आया तो पूछ लेना मुझसे, ये इंपॉर्टेंट चीज मिली मुझे कि जो log 10 टू द बेस 2 होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा कुछ, तो क्या होगा एग्जैक्ट दैट वी डोंट नो, वी डोंट केयर अबाउट दैट, हमें एग्जैक्ट की चिंता ही नहीं करनी, हमें एग्जैक्ट का कोई मतलब नहीं है, इतना पक्का है कि 3 और 4 के बीच में होगा, क्लियर है? ठीक है, अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो रिमाइंड करके मेरे वर्ड्स को सुनो, एक एक वर्ड्स को जो मैं बोला हूँ, ठीक है? चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसने क्या बोला है, इसकी वैल्यू 1/n और 1/n+1 के बीच में है, तो ये 3 और 4 के बीच में है, तो 1/ ये ओवरऑल क्या बोल सकता हूँ मैं, ये किसके बीच में हो गया, 1/3 and 1/4, उल्टा कर दिया, ये 3 और 4 के बीच में है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3 और 1/4 के बीच में, तो 1/3 मेरा क्या हो गया 1/n, 1/4 क्या हो गया 1/n+1, तो यहां से देख रहा है n की वैल्यू कितनी आई 3, hence n is equal to 3, this is my answer। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा हटके था क्वेश्चन हमारा, ठीक है, हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सबसे क्रिटिकल बात क्या थी हमारी, फंक्शन वाली, लॉग जो फंक्शन है इट इज इंक्रीजिंग इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, क्लियर है? चलो तो इसको कॉपी करो, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन की तरफ, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, और नहीं आता है तो पूछो मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, जिसको भी नहीं आता है मैं ऑडियो ऑडियो करके भी भेज दूंगा, ऐसा नहीं, ऑडियो मैसेज से भी एक्सप्लेन कर दूंगा जिसको चाहिए, आई विल रिपीट माय वर्ड्स। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखना क्या था, माय नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन वॉज इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 23 AB देन प्रूव दैट log of a plus b upon 5 is equal to half of log a plus log b। अगर बेस नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हम बेस कुछ भी मान सकते, बट क्या मानना होगा, सेम मानना होगा, वेर एवर लॉग इज रिटन यू हैव टू टेक बेस सेम, मतलब इधर 3 बार लॉग लिखा है तो सभी का बेस सेम मानना पड़ेगा। चलो तो नहीं दिया है तो हम उसको नहीं मानते अभी के लिए, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं इसको, चलो लेट स्टार्ट विद इट। अब ध्यान से देखो, इधर मुझे ए प्लस बी टाइप की चीज दिख रही है, इधर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो सबसे पहला ऑब्वियस थॉट क्या आएगा, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लूँ, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर क्या करूँ, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर बना लेता हूँ, ए प्लस बी का स्क्वायर, सो देखना क्या किया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसका ए प्लस बी का, तो किसकी कमी है, 2AB की कमी है, तो क्या किया दोनों साइड 2AB ऐड कर दिया, 2AB और इधर हो गया 23AB+AB विच इज 25AB, दिस इज माई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्लियर है? अच्छा अब एक और चीज दिख रही है ध्यान से, ये 5 है, अगर मैं इस 25 को इसके नीचे लेके आऊँ, देखना क्या कर रहा हूँ मैं, ए प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू ए बी। अच्छा अब ये 25 को मुझे स्क्वायर के अंदर लिखना है, तो मैं क्या करूँ, इस स्क्वायर के अंदर लेके जाता हूँ, 5 बन के जाएगा, तो देखना क्या लिख रहा है, लिख रहा हूँ मैं ए प्लस बी अपॉन 5, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, इसी फॉर्मेट में क्यों लेके आया, टू वो दिख रहा है ना, मैं प्रूफ जो करना है उसमें लॉग ऑफ ए प्लस बी बाई 5 है, तो वो मैंने जनरेट करने की कोशिश की LHS में, अगर करेक्ट होगा ये प्रूफ तो हमारा ऑटोमेटिक RHS आ जाएगा। चलो देखते हैं फिर इसके बाद क्या हुआ, दिस इज ए बी, 25 बोलेगा सर अंदर कैसे गया, तो इसको उल्टा करके देख लो, इसको क्या ओपन करोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर 5 के ऊपर भी आएगा तो 25 आएगा, ऊपर तो a प्लस बी का स्क्वायर है। अब क्या करें हम, अब देखो इसमें इसके स्टेप के बाद, नाउ वी विल टेक लॉग बोथ साइड, जैसे कि मैंने बताया था कोई दो नंबर बराबर है हम उसके दोनों साइड लॉग ले सकते हैं, तो मैंने लिखा लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी, क्या लिखा लॉग ऑफ ए प्लस बी बाय 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। अब क्या करें, आप दिख रहा है ये आता हुआ दिख रहा है, कैसे आर्ग्यूमेंट के एक्सपोनेंट को हम आगे लेके आ सकते हैं, सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ ए प्लस बी बाय 5, और इधर क्या हो जाएगा लॉग ए बी को कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, तो ये 2 को मैं आगे उधर लेके जाता हूँ, तो लॉग ऑफ ए प्लस बी बाय 5 इज इक्वल टू 1/2 लॉग ए प्लस लॉग बी, क्या यही मुझे प्रूफ करना है, हैंस प्रूफ,
क्लियर है, आसानी क्वेश्चन है, इसको टफ कैटेगरी में नहीं डालूंगा। हाँ, इससे पहले वाला क्वेश्चन जरूर अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो था फाइंड एक्स इफ log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 4 प्लस log x टू द बेस 16 इज इक्वल टू 7। अच्छा, ये भी सीखने वाला क्वेश्चन है, मतलब कुछ तो सीखने मिलेगा इसमें। तो इसमें मेन टारगेट क्या है, देखो हमें क्या है कि जब भी हम लॉग को ऐड करते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी वगैरह लगाते हैं, तो उसमें क्या दो चीज मैंने बोली थी इंपॉर्टेंट, क्या एक तो जो लॉग है उनका बेस सेम है सभी लॉग का, प्लस जो लॉग के आगे कोफिशियंट लिखा है दैट हैज टू बी 1। ये दोनों चीजें हैं याद रखना बिल्कुल दिमाग में, कि एक तो लॉग का जो आगे का आगे लिखा है लॉग में जो मल्टीप्लाई दैट नंबर शुड बी 1, एंड जो बेस होना चाहिए सभी लॉग का दैट शुड बी सेम। बट इस क्वेश्चन में दिक्कत कहां आ रही है, इस क्वेश्चन में इधर बेस 2 इधर 4 है इधर 16 है, बेस सेम नहीं है। तो हमने क्या किया, बेस को सेम बनाया, कैसे बनाया तो इसको देखते हैं हम। इसको तो लिख लिया मैंने एज इट इज log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस इस 4 को लिख सकता हूं मैं, क्या मुझे देखो अब टारगेट क्या है, मेरे को 2 बनाना है बेस में, तो इस इधर 2 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया log ऑफ x टू द बेस 2 स्क्वायर, ये हो गया log ऑफ, और 16 को 2 की पावर में कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ x की बेस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 7। अब क्या करें, अब वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, देखने इधर मैं कौन सी लिख रहा हूं, log ऑफ a टू द बेस, बेस की पावर अगर k दिया होता था तो आगे क्या आता था 1/k, दिस इज 1/k log a टू द बेस b, इधर मैं लगाऊंगा तो क्या आएगा, 2 है बेस की पावर है तो आगे जाके हाफ, तो ये तो मेरा लिखा log x टू द बेस हाफ, सॉरी log x टू द बेस 2 प्लस हाफ log x टू द बेस 2 प्लस ये कितना हो गया 4 पावर, बेस में पावर 4 दिया तो आगे जाके 1/4, तो 1/4 log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अच्छा, अब दो तरीके से अभी प्रोसीड कर सकते हैं, एक तो क्या है कि log x दे रखा है, तीनों को ऐड कर दो, या फिर उससे पहले क्या करो, जो देखो log को ऐड करने के लिए मैंने क्या बोला था कि आगे के कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो एक तरीका तो क्या है, इसके बाद दो तरीके से कर सकते हैं, देखना ध्यान से सुनना क्या बोला मैं, एक तो ये पावर पहले इसकी x के ऊपर लेके जाओ, ये 1/4 पावर x के ऊपर लेके जाओ, तो जो सभी जो log है उसमें बेस क्या है 2 है, प्लस कोफिशिएंट 1 बन गए। अब मैं वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, कौन सा, log a plus log b plus log c is log abc, क्लियर है, मतलब log का सम मैं क्या करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये लिखा है log x by 2 log x by 2 log x by 2 पहले कॉमन ले लिया, बोथ वे वी कैन डू, आई एम डूइंग इट सेकंड वे, देखना log x टू द बेस 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, चलो इस साइड लिख लेते हैं, इधर क्या बचा 1, इधर से 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, दिस इज गिवन एज 7, क्लियर है। ये कैसे लिखा, ओपन कर लो, यही चीज आ जाएगी, या फिर मैं क्या बोल रहा था, चलो एक बार मैं इधर बता देता हूँ, मैं इसके अलावा क्या बोल रहा था, तुम दोनों से देखना, दोनों समझो, मैंने बोला या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता था log x टू द बेस 2 प्लस log x की पावर हाफ टू द बेस 2 प्लस log x की पावर 1/4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 7, बोथ वे वी कैन डू। इधर क्या करेंगे हम, मैंने जैसा कि बोला कि log का बेस सेम हो गया और log के आगे कोफिशिएंट 1 है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो x इंटू x की पावर हाफ इंटू x की पावर 1/4 बेस 2 इज इक्वल टू 7, या तो मैं ऐसे प्रोसीड कर रहा हूँ या फिर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, दोनों से आंसर एग्जैक्ट आएगा, सेम आएगा। चलो इसको ऐसे लिख लेते, तो 1 प्लस 1/2 इज 3/2, चलो लिख लो प्रॉपर 3/2 प्लस 1/4, तो एलसीएम लिया तो 2 तो 3 2 6 प्लस 1 7/4, तो 7/4 इंटू log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 7, तो ये 7 से ये 7 गया, तो इधर से कितना आया हमारा log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 विच इज 16, हेंस आंसर इज 16, क्लियर है। या फिर मैं ऐसे देख सकता था, ऐसे मैं क्या लिखूंगा, log ऑफ इधर आया x की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, पावर में ऐड हो जाएगा, पावर मल्टी x में जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, जैसे इधर भी हमने निकाला 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 कितना 7/4,
तो हो गया 7/4 इज इक्वल टू 7, इधर बेस 2 है याद रखना। फिर क्या लिखूंगा, x की पावर आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस 2 की पावर RHS 7। तो ये बना x की पावर 1/4, 7 से 7 गया इज इक्वल टू 2, तो x कितना आया, पावर 4 ले लिया दोनों साइड, क्या लिया पावर 4, तो हो गया 2 की पावर 4 16। तुम दोनों मेथड से कॉपी करना, दिस इज मेथड 2 एंड दिस इज मेथड 1 फ्रॉम हियर। यहां तक कॉमन स्टेप है, इसके बाद मेथड 1 और मेथड 2 यू शुड कॉपी विद बोथ द मेथड्स, दोनों मेथड से कॉपी करना, ठीक है ना, दोनों हमें आना चाहिए, क्लियर है। चलो तो आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। तो प्रैक्टिस करते रहो, आज मैं लॉक की शीट देता हूं तुम लोगों को। तो रब करते हैं इसको पहले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन था हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो log of x plus 1 upon log x, इसमें भी दोनों log का बेस नहीं दे रखा, कुछ भी मान सकते हैं, उसने लिखा find x, ठीक है find x। तो क्या करें, बेस चेंजिंग थ्योरम हम लगाएंगे, ठीक है ना, कैसे लगाएंगे देखेंगे। याद है अपन ने क्या लिखा था, log of a to the base b is equal to log a upon log b, इसी को मैं क्या लगा रहा हूँ, उल्टे डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, log of a upon log b, क्या लिखूँ, log of a to the base b, तो ये हो जाएगा log of x plus 1 to the base x and this is given as 2, क्लियर है। अब ओपन करते हैं, log से एक्सपोनेंट पे कैसे जाते हैं, argument that is x plus 1 is equal to base की पावर RHS, तो x square, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक बन गया, बहुत अच्छा सिंपल सी इक्वेशन बन गई। चलो करते हैं इसको सॉल्व, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो कैसे निकालते थे रूट्स इसके, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये आने से मेरा क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर इज माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac करूंगा तो माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 अपॉन 2, तो ये आया हमारा 1 प्लस रूट 5 बाय 2 और एक आया 1 माइनस रूट 5 बाय 2, दो आई x की वैल्यूज। तो आप खुद सोचो एक मिनट के लिए वीडियो पॉज करके, क्या दोनों करेक्ट है, क्या इसमें से एक करेक्ट है, अगर एक करेक्ट है तो कौन सी, इधर वाली या उधर वाली, या फिर दोनों गलत है, जस्ट वीडियो पॉज करो सोचो, मैं इसका बता रहा हूँ, ठीक है। जो ये वाली वैल्यू लिखी है ना, देखना कौन सी बोल रहा हूँ मैं, ये वाली, दिस इज करेक्ट दिस इज रॉन्ग। अच्छा मैंने आंसर बता दिया, अब तुम लोग सोचो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज सॉल्व करने पे तो मेरा ये दो वैल्यूज है ना, हाउ कैन आई रिजेक्ट दिस, आई कैन सी ओनली दिस इज द आंसर, व्हाई, जस्ट थिंक इट, द आंसर इज 1 माइनस रूट 5 क्या होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा, क्योंकि रूट 5 क्या होगा, माइनस 2 पॉइंट समथिंग, उसमें से 1 ऐड करूंगा तो माइनस 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो दिस इज अ नेगेटिव नंबर। बट ये नंबर जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन में है, ओरिजिनल क्वेश्चन में x मेरा क्या यूज हुआ है, आर्ग्यूमेंट के तौर पे डिनोमिनेटर में, तो उससे क्या होगा, मैंने अगर मैं बोलूँ कि ये इसका सॉल्यूशन है तो मैं एक्चुअली उसको इसमें रखता हूँ ना, बट मैं रख ही नहीं सकता इसमें, तो बिकॉज x क्या है, इधर log का आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, ओनली दिस वैल्यू इज एक्सेप्टेड, क्लियर हुआ बच्चों, ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव है, और इधर x क्या है बेसिकली ओरिजिनल क्वेश्चन में हमारे, x इज द आर्ग्यूमेंट, और मुझे पता है log का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, हेंस दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, ओनली दिस वैल्यू इज एक्सेप्टेड, क्लियर है बच्चों, ठीक है, वीडियो को पॉज करो कॉपी करो, छोटा क्वेश्चन था बट एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं हम, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या होगा, अगर ऑप्शन दिए होंगे क्वेश्चन में दोनों, तो बहुत से बच्चे जल्दी जल्दी में दोनों ऑप्शन टिक करेंगे, बहुत से बच्चे मतलब बहुत ज्यादा बच्चे, क्योंकि आखिरी में सतर्क रहना है, ठीक है ना, जो आंसर आता है स्पेशली जो लॉग के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें जो भी हमारा एक्स के आंसर्स आ रहे हैं, वी शुड क्रॉस वेरीफाई इट विद द ओरिजिनल इक्वेशन, क्या बोला इधर नोट करके भी लिख लो, इसी क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बोला, व्हाटएवर आंसर वी आर गेटिंग, आंसर मतलब वैल्यू ऑफ एक्स,
यू शुड वेरीफाई इट विद द ओरिजिनल क्वेश्चन. मतलब हमें एक बार वेरीफाई करना चाहिए इसमें एक्स की वैल्यू डाल के कि वो सही में सही आ रहा है या नहीं, कुछ एब्सर्ड सा रिजल्ट तो नहीं आ रहा. तो हमें हमने क्या देखा कि ये वाली तो हम वैल्यू डाल ही नहीं सकते उधर, नेगेटिव वैल्यू वी कैन नॉट पुट. क्यों? क्योंकि लॉग के बेस आर्ग्यूमेंट में एक्स लिखा है और एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है ना, मैंने ओवर एम्फसाइज कर दिया थोड़ा. ठीक है, आई होप समझ में आया होगा. चलो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन की तरफ. देखो नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन है हमारा लॉग ऑफ बेस 1/3. फिर दे रखा था हमारा, इसको मैंने बोला था ध्यान से लिखना, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स लिखी हुई है. 729 इंटू क्यूब रूट ऑफ, दिस इज अंदर वाला था, ये क्यूब रूट था, 9 की पावर -1, 27 की पावर -4/3. चलो इसको अब हम देखते हैं, आई होप किया होगा बहुत से बच्चों ने. ठीक है चलो, तो पहले हम क्या करते हैं, अंदर के पहले अंदर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं. तो लेट मी फर्स्ट कैलकुलेट दिस पार्ट जो मैं ब्लू में किया है. तो 9 की पावर -1 कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर -2. मतलब चलो एक एक स्टेप में लिखते हैं. मैंने लिखा 3 स्क्वायर इसकी पावर -1, फिर इस 27 को लिखा 3 का क्यूब इसकी पावर -4/3. अच्छा ये क्या हो गया, 3 की पावर -2, इसको तुम भी अलग से लिख लेना. ठीक है, उसके बाद फिर हम प्लग करेंगे इसमें वैल्यू, क्योंकि नहीं तो क्या इतना पार्ट करेंगे फिर ये पूरा आगे का कॉपी करना पड़ेगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा. इंस्टेड ऑफ दैट फर्स्ट विल कैलकुलेट इनसाइड वाला पार्ट. तो ये हो गया -2, ये हो गया 3 की पावर, ये 3 से ये 3 कैंसिल -4, तो फाइनली दिस इज 3 की पावर -6. क्लियर है, ये हो गया 3 की पावर -6. अब इसका क्या लिख रखा है, क्यूब रूट. तो मैं लगा रहा हूँ क्यूब रूट, मतलब क्या होता है पावर 1/3, 3 की पावर -6. देखो तो एक बार एक एक स्टेप लिख लेते हैं. चलो इसका लिखा मैंने इसका क्यूब रूट, तो ये मेरा कितना आया 3 की पावर -6, क्यूब रूट मतलब 1/3, तो ये हो गया 3 की पावर -2. क्लियर है. अच्छा अब हम 729 देखते हैं. 729 तो इसको भी अलग से देख लिया, 729 तो इसको फैक्टराइज करते हैं. पहले जिसको याद है डायरेक्टली तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो फिर हम फैक्टराइज करते हैं. कैसे करते हैं, 3 इधर लिखा, फिर 2 टाइम्स 1 बचा 112, 4 3 243, फिर 3 किया, फिर ये क्या हुआ 8 टाइम ये 1. अब 81 से तो क्लिक कर जाना चाहिए, 81 क्या होता है 3 की पावर 4. तो चलो फिर भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख लेते 27 3 9 3 3 3 1, तो ये कितना है 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 729. अच्छा अब इधर क्या लिखा है, 729 इंटू दिस क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर माइनस, चलो ये तो हमने निकाल लिया था, इंटू 3 की पावर -2. और ये अभी हमने देखा 3 की पावर 6 है, तो 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर -2, 3 की पावर 4. तो ये वाला पार्ट हमारा, अच्छा नहीं ये फोर्थ रूट अभी लिया नहीं है, ये वाला पार्ट देखना, मैं एक कम करता हूँ इसी मार्क से कर लेता हूँ. ये वाला पार्ट जो मैं अभी ब्रैकेट बना रहा हूँ उसकी वैल्यू हमारी ये आई. अब क्या लेना है, इसका फोर्थ रूट लेना है, तो फोर्थ रूट मतलब पावर 1/4. तो फाइनली अब देखना मैं एक ही लिख रहा हूँ, ये हो गया फोर्थ रूट ऑफ दिस, मतलब 3/4, 3 की पावर 4 की पावर 1/4 क्या हो जाएगा 3. और नीचे क्या लिखा है, बेस 1/3. फिर बेस 1/3 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर -1, ये हो गया लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3 की पावर -1. अब ये -1 को आगे लेके आ सकता हूँ, क्या करते हैं, k होता है तो 1/k आता है, तो 1/-1 लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3, दिस इज नथिंग बट -1, बिकॉज लॉग 3 टू द बेस 3 क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ बेस सेम होता है, लॉग इज 1, हेंस -1 इनटू 1 इज -1. तो दिख तो बहुत कॉम्प्लिकेट रहा था बट रिजल्ट आया हमारा बहुत छोटा था, दैट इज -1. क्लियर है, वीडियो पॉज करो कॉपी करो, और अगर स्टिल इफ यू हैव डाउट इन दिस फील फ्री टू आस्क. ठीक है अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने बोला था काफी अच्छा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, एक्सप्रेशन था, विल सी दिस. क्या लिखा है, 81 की पावर में लिखा है 1/, ध्यान से देखना एक एक स्टेप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत लेंथी लग रहा है बट बहुत छोटा सा होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगे हमारी सिंगल क्वेश्चन में, सो इट इज वेरी गुड क्वेश्चन.
ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। 81 की पावर 1 अपॉन लॉग 92 टू द बेस 10 प्लस 3 की पावर 3 अपॉन लॉग 3 टू बेस रूट 6 अपॉन 409 रूट 7 की पावर 2 अपॉन लॉग 7 टू द बेस 25 माइनस 125 टू बेस 20। ठीक है, परफेक्ट, क्वेश्चन अपना करेक्ट है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके बाद, एक क्वेश्चन और रह जाएगा हमारा। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करें? तो सबसे पहली बात, पहले हम टर्म्स को एनालाइज करते हैं। देखो, इधर 81 लिखा है, तो 81 देखते से मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? 9 का स्क्वायर, पहला थॉट। अच्छा, अगर इधर 9 है तो अगर लॉग का बेस 9 होता तो आसान हो जाता, क्योंकि वो तो हम चीज पढ़े एक, ये वाली प्रॉपर्टी लॉग ऑफ ए टू द बेस ए, ये तो कैंसिल हो जाता है। अगर इधर जो भी बचता है वो मेरा आंसर होता है। ऐसा करने के लिए मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? इस लॉग को मैं ऊपर ले जाता हूँ, बेस चेंजिंग थ्योरम याद है, ऐसा कुछ पढ़ाते हैं, लॉग ए टू द बेस बी इज 1 अपॉन लॉग बी टू द बेस ए, ये चीज मैं इसमें लगा रहा हूँ। तो देखना क्या हो जाएगा, 81 की पावर लॉग ऑफ 9 और 5 इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये 5 की पावर 5 टू द बेस 9 हो गया, क्लियर है। प्लस सिमिलरली इधर 3 है, तो मेरा टारगेट क्या हो, क्या होना चाहिए कि ये 3 बेस में होता तो अच्छा रहता, तो क्या करें, बेस चेंजिंग फिर हम ऊपर भेज देते हैं उसको। तो ये क्या आया, 3 की पावर में एक तो 3 ऑलरेडी है और एक लॉग आ गया, लॉग रूट 6 टू द बेस 3, और नीचे लिखा है 409, और ये मेरा मल्टीप्लाइड है इस नंबर से। इसको भी इसी स्टेप में देख लेते हैं, जैसा कि मैंने बोला इधर रूट 7 है, तो रूट 7 है तो अच्छा कब होगा, जब बेस की बेस लॉग का बेस 7 हो। तो क्या किया, इस टर्म को भी ऊपर भेज दिया बेस चेंजिंग थ्योरम से, तो दिस इज रूट 7 की पावर 2 लॉग 25 टू द बेस 7 माइनस, सिमिलरली हियर ऑल्सो। अच्छा, इधर अपने को करने की जरूरत है क्या, 25 बेस है, कर लेते हैं 5 में ब्रेक कर लेते हैं, 5 स्क्वायर इस दिस इज 5 क्यूब, 25 को लेगा 5 क्यूब और इसको लेगा लॉग ऑफ 6 और इस 25 को 5 स्क्वायर, मतलब मैं बेस 5 बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक एक स्टेप देखना, क्योंकि मतलब ये बोल सकते हैं कि दिखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और हैवी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं ईजी बोल सकूंगा, लेकिन हाँ प्रॉपर्टीज का अगर याद है तो मैं टिप्स में सारी प्रॉपर्टीज, तो फिर बहुत इजी जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। 81 को क्या लिखूं मैं, 9 का स्क्वायर, तो देखना मैं एक, चलो लिख लेते हैं एक स्टेप में, 9 स्क्वायर और इसकी पावर लिखा है, अच्छा मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, चलो 9 स्क्वायर की पावर ये लिखा है, तो क्या हो जाएगा, 9 लॉग 5 टू द बेस 9 प्लस, अब देखना ये 3 लिखा है, अब क्या किया, इस 3 को इसकी पावर में भेज दिया। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, बिकॉज आई वॉन्ट इस टाइप की चीज, ए की पावर में लॉग टू द बेस ए, इससे क्या होता है, इस लॉग का कोफिशियंट 1 होना चाहिए, इसलिए इस 3 को मैंने आगे भेजा। ऐसा मैं पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ कल की क्लास में, उसमें भी मैंने बोला था इस लॉग का कोफिशियंट आई वॉन्ट 1, उसके लिए क्या किया, इसके आगे जो लिखा है उसको आर्ग्यूमेंट पे भेज दिया, वो भी हम प्रॉपर्टी पढ़े, तो ये हो गया 3 की पावर लॉग टू द बेस 3 और रूट 6 का क्यू, और नीचे लिखा है 409। अब आते हैं इधर, ये रूट 7 लिखा है, रूट 7 वाला 7 की पावर हाफ, 7 की पावर हाफ और 2 तो ऑलरेडी 2 लॉग 25 लिखा ही है, माइनस 5 की पावर 3 लिखा है और ये 5 की जो बेस की पावर 2 लिखा है उसको आगे जाके k होता है तो 1 / k, तो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ 6, क्लियर है। वीडियो को पॉज करो, इतना कॉपी करो, मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं ब्लैक वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन को रिमूव कर रहा हूं, देखना अब हमारा आंसर आने को है। अब जैसे कि मैंने इधर बोला था इस वाले लॉग का क्या आगे जो लिखा है कोफिशिएंट दैट आई वांट 1, तो क्या किया 2 को 5 के ऊपर भेज दिया, तो क्या हो गया जी, 9 की पावर में लॉग ऑफ 5 स्क्वायर व्हिच इज 25 टू द बेस 9 प्लस, अच्छा ये तो 3 की पावर लॉग 3, ये तो 1 हो गया जैसे मैंने बताया था, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, रूट 6 का क्यूब, तो रूट 6 का क्यूब क्या होगा, 6 रूट 6 अपॉन 409, और इधर क्या बचा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 7 की पावर लॉग टू द बेस 7 ये कैंसिल हुआ, 25 आया इधर माइनस, ये 3 बाय 2 6 पे चला गया पावर, अच्छा इसका बेस मैंने इधर लिखना भूलिया, ये 5 है, ठीक है ना, जब हम 2 को आगे ले गए थे हाफ किया था, तो ये क्या बन गया, देखना ध्यान से, 5 की पावर में लॉग ऑफ 6 की पावर 3 बाय 2 मतलब 6 रूट 6 टू द बेस 5,
क्लियर है? ठीक है ना, किसी भी स्टेप में डाउट आ रहा है ना तो तुम लोग स्नैपशॉट लेके उस पर सर्कल करके सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, अगर किसी भी स्टेप में डाउट आ रहा है। वैसे आना नहीं चाहिए बिकॉज प्रॉपर्टी हमने बहुत डिटेल में सीखा है, बहुत स्लोली सीखा है, मुझे पता था, क्योंकि प्रॉपर्टीज ही एकमात्र इसमें है, मतलब क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बनाने का तरीका। अगर प्रॉपर्टीज पे तुम्हारा अच्छा कमांड आ गया तो लॉ का क्वेश्चन तो तुम्हारा 100% बनने ही वाला है एग्जाम में। ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। जैसा कि ये 9 की पावर लॉग टू द बेस 9 है, 25 है, तो ये क्या लिखा है, 25 प्लस 6 रूट 6, और ये क्या लिखा है, 25 माइनस, ये भी 1 हो गया, क्या बचा, 6 रूट 6 अपॉन 409। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर माइनस 6 रूट 6 का स्क्वायर अपॉन 409। तो 25 का स्क्वायर तो कितना होता है, 625 माइनस, अब हम 6 रूट 6 का स्क्वायर देख लेते हैं, तो 6 6 36, 36 इंटू 6, 6 6 36, 3 6, 6 3 18, 216, तो 216 डिवाइड बाय 409, तो 625 में से मैंने 216 हटाया, तो 15 माइनस 6 इज 9, 0 एंड 5 माइनस 2, सॉरी इधर से लिया था ना, 6 माइनस 2 इज 4, तो किस्मत से ये 401 आ गया, 409 न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर भी 409 दिया है, तो इसलिए मन आया। ठीक है, एग्जामिनर ने मन से 409 दिया है, ठीक है ना, जिससे कि हमारा आंसर सिंप्लीफाई होके 1 आ जाए। क्लियर है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, हमने मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सी प्रॉपर्टी यूज की इधर, ए की पावर में लॉग बी टू द बेस ए इज इक्वल टू बी, एक तो इस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज हुआ इस क्वेश्चन में, प्लस इस प्रॉपर्टी का यूज हुआ लॉग बेस चेंजिंग थ्योरम, नोट करके अगर लिखना है तो लिख लो, भले लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग बी टू द बेस ए, और कई जगह ऐसा भी यूज हुआ। कैसा यूज हुआ कई जगह, एक तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई हमारी, और एक क्या हुई, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी की पावर के इज इक्वल टू 1 बाय के लॉग ए टू द बेस बी, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये 3 प्रॉपर्टीज यूज की। ठीक है ना, चलो अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा लास्ट होमवर्क क्वेश्चन है, देखना ये उससे तो आसान ही है, इससे छोटा भी होगा प्रोसीजर और थोड़ा आसान भी होगा। लॉग 5 की पावर लॉग ऑफ हाफ टू द बेस 1/5 प्लस लॉग रूट 2, और इधर आर्ग्यूमेंट दे रखा है 4 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 3 प्लस लॉग टू द बेस हाफ 1 अपॉन 10 प्लस 2 रूट 21। ठीक है, चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट, अब हम वाली प्रॉब्लम, चलो इधर तो दिख रहा है, सबसे पहले इसको 5 बनाते हैं, तो इसको क्या लिखा, 5 की पावर माइनस 1, इसको 2 की पावर माइनस 1, वो माइनस 1 आगे आएगा, ये माइनस 1 आगे आएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ लॉग, कैसे लिखा, इसको 5 की पावर माइनस 1, तो वो माइनस 1 लॉग के आगे आ गया 1 अपॉन माइनस 1 करके, और इसको 2 की पावर माइनस 1, वो ऊपर आ गया माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1, तो इधर 1 प्लस 1 आ गया, और ये हमारा किस में रेडी, लॉग की 5 की पावर लॉग 2 टू द बेस 5, दिस इज इतना पार्ट पता है कैंसिल हो जाता है, तो फाइनली ये वाला जो टर्म है वो रिड्यूस होकर हमारा छोटा सा आ गया 2। क्लियर है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। अब इधर 2 की पावर हाफ दिया है, 2 की पावर हाफ दिया है, तो हाफ को आगे लेके आऊंगा, तो k दिया होता है तो आगे जाके क्या होता है 1 बाय k, हाफ दिया है तो 1 अपॉन हाफ, तो 1 को हाफ से डिवाइड करूंगा तो 2 पर आ जाएगा, करके देखो तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स लॉग ऑफ 4 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 3, और ये लिखा है, चलो इधर लिखा, ये इसको 2 की पावर माइनस 1, ये हो गया 2, ये 2 की पावर माइनस 1, फिर माइनस 1 आगे आ गया, तो माइनस लॉग ऑफ 1 अपॉन 10 प्लस 2 रूट 21 टू द बेस 2। क्लियर होना चाहिए ये स्टेप, क्योंकि हमने बहुत कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इससे पहले वाले में भी ये वाली प्रॉपर्टीज यूज की थी हमने। ठीक है, तो अब क्या किया, अब ये लॉग का डिफरेंस है, ये 2 ऐड है इनमें, ठीक है ना, तो 2 प्लस, अब देखना ये लॉग का डिफरेंस है, तो जैसे मैंने बोला था लॉग ए प्लस लॉग बी को लॉग ए बी कब लिखते हैं, जब आगे लॉग के आगे जो लिखा है कोफिशिएंट हैज टू बी 1,
तो वन बनाने के लिए इस टू को क्या किया, पहले इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर भेज दिया, और इस लॉक का ये पूरा आर्ग्यूमेंट है तो इस टू को इसके ऊपर भेजा, तो क्या हो गया ये लॉग टू द बेस टू, और इसका स्क्वायर आ गया। हमें डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 16 अपॉन, इसका स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 7 + 3 = 10 प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये हो गया प्लस 2ab, तो 2 √7 × √3 तो √21, और ये है माइनस लॉग, और याद रखना बेस सेम है टू द बेस 2 1 अपॉन 10 प्लस 2 √21। अब वो चीज हो गई, लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ऑफ ए अपॉन बी, इन दोनों को मैं क्लब कर रहा हूँ, देखो ये क्या लिखा, लॉग ऑफ 16 अपॉन 10 प्लस 2 √21 डिवाइडेड बाय करूंगा, डिवाइड बाय दिस, तो मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 √21। देखना ये डिवाइड किया, एक्चुअली मैंने ऐसा आया डिवाइड में 1 अपॉन ये आएगा तो ये पार्ट ऊपर चला जाएगा। अब देख रहा सिमेट्री, ये दोनों कैंसिल हो गए, बेस क्या है 2 है, इधर हमारा ए वाला 2 ऑलरेडी है 2 प्लस, तो फाइनली क्या बना हमारा, देखना 2 प्लस लॉग 16 टू द बेस 2, और 16 क्या है 2 की पावर 4, तो 2 प्लस लॉग 2 की पावर 4 टू द बेस 2 विच इज ये 4 आगे आ जाएगा, तो क्या बना 2 + 4 6, hence the answer is 6 for this question। दिखने में बहुत बल्की लग रहा था, आंसर एक छोटा सा आ गया, फिर दिसा 6, क्लियर है, आई होप सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे तुम्हारे सारे होमवर्क क्वेश्चंस। अब हम एक या दो क्वेश्चन में होमवर्क के लिए तुम्हें दे देता हूँ, उसके बाद वी विल एंड अप विद दिस लेक्चर। जस्ट कॉपी वन और टू क्वेश्चन, चलो दो क्वेश्चन लिखते हैं, दो तीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क क्वेश्चन है ये सारे। चलो एक कंफाइंड वैल्यू ऑफ करके जगह प्रूव दैट कल प्रूव दैट that this is equal to 3, this is the first homework question, second aur likhte hain, second homework question is if a greater than 0 then solve 2 log ax plus log a to the base ax plus 3 log a to the base ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, उसने दे रखा है एक कोई कॉन्स्टेंट है दैट इज ग्रेटर देन 0, उसने इतना ही बोला है, 1 से बड़ा होगा या नहीं होगा वो नहीं पता, 1 होगा कि नहीं वो भी नहीं पता, 0 ग्रेटर देन 0 है, पर इतना पता है कि हमें क्या निकालना, सॉल्व मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यूज निकालना, ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड दिस, तो क्या लिखा, 2 log x a to the base x plus log a to the base ax 3 times log a to the base a square x, इधर बेस x है, इधर बेस ax है, इधर बेस a square x, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, if log 15 to the base 6 is equal to alpha, log of 18 to the base 12 is equal to beta, then find log of 24 to the base 25 in terms of अल्फा कॉमा बीटा, मतलब अल्फा ये दे रखा है, बीटा ये दे रखा है, उसने निकाल, उसने बोला लॉग ऑफ 24 टू द बेस 25 को निकालो इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, आई होप अच्छा लगा होगा लेक्चर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हमने आज, ठीक है ना, अगर कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का फील फ्री टू आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, तो फिर काफी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।